स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विशेष फोरम में। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप CSC के माध्यम से एक्सिस बैंक में अकाउंट किस प्रकार ओपन कर सकते हैं, अकाउंट ओपन करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और आप किस टाइप का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, और अकाउंट ओपन करने से कस्टमर को क्या लाभ होगा और आपको क्या लाभ होगा। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अकाउंट ओपन करने के कितने दिन बाद ATM आपके घर आएगा और कितने दिन बाद चेकबुक आपके घर आएगी, पासबुक कहाँ से मिलेगी, ये सभी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देंगे। सो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको CSC व एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी समय पर मिलती रहे। डियर फ्रेंड्स, अगर आप एक CSC VLE है या फिर आप एक जनसेवा केंद्र संचालक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं कि आपको किस सर्विस के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, हम उसी सर्विस की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। सो डियर फ्रेंड्स, चलिए हम आपको बताते हैं कि CSC के माध्यम से आप एक्सिस बैंक में अकाउंट किस प्रकार ओपन कर सकते हैं, क्या इसका कंप्लीट प्रोसेस है, तो चलिए जानते हैं। गूगल सर्च इंजन में सर्च करें एक्सिस बैंक FEGW और पहले लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर अपनी CSC ID टाइप करें और सेंड OTP पर क्लिक करें। फिर इसके बाद जो आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है वो सेलेक्ट करें और जो आपके नंबर पर OTP आया है वो OTP यहाँ पर टाइप करें और वेरीफाई OTP पर क्लिक करें। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन एग्री करें, यहाँ पर अपना आधार नंबर टाइप करें और कैप्चर पर क्लिक करें और अपना बायोमेट्रिक लगाएं। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका BC पॉइंट लॉगिन हो जाएगा, जिसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का होगा। इसके बाद आपको EKYC सर्विस पर क्लिक करना है, फिर EKYC अकाउंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, जो भी आप अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं वो अकाउंट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कस्टमर का पैन नंबर टाइप करना है, उसका मोबाइल नंबर टाइप करना है और एनुअल इनकम यहाँ पर आपको टाइप करनी है। याद रहे कि कस्टमर की जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। भले ही उसकी इनकम कितनी ही हो तो आपको यहाँ पर 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख लिख देनी है और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। फिर कस्टमर के नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर टाइप करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है, कस्टमर का आधार नंबर टाइप करना है और कैप्चर पर क्लिक करके कस्टमर का फिंगरप्रिंट ले लेना है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद कस्टमर की कुछ डिटेल्स शो होगी यहाँ पर, फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कस्टमर का फ़ोटो कैप्चर करना है। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, फ़ोटो खींचने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको एक एक कॉलम भरना है, जैसे कि मैरिटल स्टेटस, अगर मैरिड है तो मैरिड, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड। इसके बाद कस्टमर की ईमेल आईडी टाइप करनी है। ईमेल आईडी आपको बड़े ध्यानपूर्वक टाइप करनी है, क्योंकि ये नेट बैंकिंग में काम आएगी, तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक कस्टमर की ईमेल आईडी टाइप करनी है। इसके बाद क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है, फिर आपको ऑक्यूपेशन टाइप सेलेक्ट करना है, जो सभी काम दिए गए हैं, जो भी कस्टमर का काम है उससे रिलेटेड जो भी काम है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बिजनेस ऑफ नेचर, जो कस्टमर का बिजनेस है उसका नेचर किस टाइप का है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है, यानी कि सेलेक्ट करना है। इसके बाद में सोर्स ऑफ इनकम, इनकम कस्टमर की इनकम किस सोर्स से आ रही है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और कितने सालों से बिजनेस कर रहा है कस्टमर वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद में आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फैमिली डिटेल्स,
फैमिली डिटेल में आपको माता का नाम और पिता का नाम लिखना है। याद रहे, अगर किसी के माता का नाम सिंगल है, जैसे कि किसी की माता का नाम उर्मिला है और वो सिंगल नेम है, देवी नहीं है, तो आपको फर्स्ट नेम में उर्मिला और जो इसका लास्ट नेम है उसमें भी उर्मिला ही टाइप करना है। यानी कि जो भी अगर सिंगल नेम है तो सिंगल नेम दोनों में आपको टाइप कर देना है। ऐसे ही अगर फादर नेम भी सिंगल है तो आपको फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में सेम रख देना है। इसके बाद में आता है नॉमिनी डिटेल। यहाँ पर आपको नॉमिनी डिटेल टाइप करनी है। आप नॉमिनी किसी को भी बना सकते हैं, अपने माता पिता या भाई बहन किसी को भी आप नॉमिनी बना सकते हैं। आपको उसका रिलेशनशिप टाइप करना सेलेक्ट करना है और उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। अगर नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस सेम है, यानी कि कस्टमर का एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है, तो आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आना है। और यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस अगर आपका सेम है तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऑटोमेटिक एड्रेस आ जाएगा। फिर आपको जो आपकी नियरेस्ट ब्रांच पड़ती है, आपके जो नज़दीकी ब्रांच पड़ती है एक्सिस बैंक की, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन एग्री कर लेनी है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कस्टमर का प्रीव्यू आएगा। आपको कस्टमर को ये अच्छे तरीके से दिखा देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप अपने आधार कार्ड को DBT से लिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। आई हेयर बाई कन्फर्म दैट आई हैव नॉट टू फॉर सीडिंग एनी अकाउंट विद NPCI। ठीक है, अगर आप DBT से आधार कार्ड लिंक करना चाहते हैं तो आपको बीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेकंड नंबर का। और अगर आप लिंक नहीं करना चाहते तो आप लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और टर्म एंड कंडीशन को एग्री करके सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपसे फंडिंग अमाउंट पूछा जाएगा। आपको 500 रुपये सेलेक्ट करना है और टर्म एंड कंडीशन को एग्री करके कस्टमर का बायोमेट्रिक कैप्चर कर लेना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। और इस प्रकार कस्टमर का अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। जिस दिन आप कस्टमर का अकाउंट ओपन करोगे उसके 3 से लेकर 5 दिन के अंदर कस्टमर के एड्रेस पर कस्टमर का एक्सिस बैंक का ATM डाक द्वारा आ जाएगा। और अगर कस्टमर चेकबुक लेना चाहता है तो डाक द्वारा जो ATM आएगा उसी के साथ नेट बैंकिंग और उसका पासवर्ड भी आएगा। आपको एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नेट बैंकिंग ओपन करके आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं अपने, और फिर आप चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप चेकबुक के लिए अप्लाई करोगे तो जिस दिन आप चेकबुक के लिए अप्लाई करोगे उसके 3 से लेकर 7 दिन के अंदर डाक द्वारा चेकबुक भी कस्टमर के एड्रेस पर आ जाएगी। और अगर आप पासबुक लेना चाहते हैं तो आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा और अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दिखाकर वहाँ से आप अपनी पासबुक ले सकते हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन कुछ भी चाहिए एक्सिस बैंक के अकाउंट से रिलेटेड या अकाउंट ओपन से रिलेटेड या बायोमेट्रिक डिवाइस से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।